है गाइस, आज हम एक रियलिस्टिक आई बनाएंगे। तो उसमें मैं कौन सा टूल्स यूज़ किया हूँ और क्या क्या यूज़ किया हूँ उसको बनाने में, मैं आप लोग को फुली डिटेल से बताऊँगा, फुली एक्सप्लेन करके आप लोग को बताऊँगा। जैसे आप लोग को जो भी प्रॉब्लम है या डाउट है रियलिस्टिक बनाने में, मैं आप लोग को पूरी डिटेल से बताऊँगा, जैसे आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल होगा इसको बनाने में। तो मैं आप लोग को बताऊँगा कि इजी तरीके से कैसे हम एक रियलिस्टिक आई बना पाएंगे। सिंपल सा ट्रिक मैं आप लोग को बताऊँगा वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखिए और मैं जो भी टिप्स बताऊँगा आप लोग को उसको फॉलो करना है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, मैंने बेस लेयर के लिए यूज़ किया हूँ सकुरा का मैकेनिकल पेंसिल, जिसमें 0.3 mm का SB लीड। पहले आप लोग को एक बेस लेयर देना है, फिर उसको ब्लेंड करना है। अब मैंने कॉटन बर्ड से ब्लेंड किया हूँ, तो जो जहाँ पर डार्क है आप लोग को डायरेक्टली डार्क नहीं देना है, आप लोग को एक बेस लेयर देना है, फिर आप लोग को डार्क करना है। आपके पास डार्क ग्रेड के पेंसिल है तो आप लोग यूज़ कर सकते हो। नहीं, यहाँ पे मैं यूज़ किया हूँ जो कि जनरल का चारकोल पेंसिल है। उसके बाद मुझे कुछ ज़्यादा डार्क नहीं लगा, इसलिए मैंने थोड़ा स्ट्रेडलो का 6B पेंसिल यूज़ किया हूँ उसके ऊपर। तो आप लोग को, आप लोग के पास डार्क पेंसिल जो भी है डार्क ग्रेड का, 6B, 8B या 10B जो भी है आप लोग को यूज़ कर सकते हो। जैसे आप लोग का जो भी डार्क पार्ट है वो बहुत ज़्यादा डार्क दिखे, फिर आप लोग को रेफरेंस को ऑब्जर्व करके कहाँ पे लाइट है और कहाँ पे डार्क है आप लोग को उसको ध्यान में रखकर आप लोग को शेडिंग करना है, फिर आप लोग को उसको ब्लेंड करना है। मैं ब्लेंडिंग के लिए यूज़ किया हूँ ज़्यादातर जो कि है ब्रश, एंड जो छोटे पार्ट के लिए मैं यूज़ किया हूँ ब्लेंडिंग स्टॉम। तो आप लोग को भी ब्लेंडिंग के लिए जो भी आप लोग के पास है ब्रश है तो ब्रश से ब्लेंड करें, नहीं तो आप लोग पास ब्लेंडिंग स्टॉम्प होगा, कॉटन बर्ड्स होगा, वो आप लोग को ब्लेंड करना है और अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि कहाँ पे डार्क है कहाँ पे लाइट है। एंड आप लोग को हाईलाइट को भी ऑब्जर्व करना है, क्योंकि एक पिक में हाईलाइट ही है जो एक ड्राइंग को बहुत ही रियलिस्टिक बना लेता है। तो आप लोग को हाईलाइट को भी देखना है, वो हाईलाइट छोटे पार्ट है जो आईबॉल के अंदर है, तो उसमें हाईलाइट देने के लिए मैं यूज़ किया हूँ टॉम्बो मोनोजीरे इरेजर, बहुत ही यूज़फुल है। आप जहाँ पे ज़्यादा हाईलाइट है मैं वहाँ पे वाइट का जेल पेन यूज़ किया हूँ। आप लोग को आई लीड को लाइन पे नहीं जोड़ना है, उसको 3D लुक एंड रियलिस्टिक लुक देने के लिए आप लोग को उसके पास आप लोग को ब्लेंडिंग करना है और जहाँ पे डार्क है उसको डार्क करना है। वो ऐसे ही लाइन पे नहीं छोड़ देना है, क्योंकि उसे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता है। आई का आई हेयर बनाना है तो उसमें मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज़ किया हूँ उस सकुरा का 0.5 mm का, जो कि बहुत ही रियलिस्टिक दिख रहा है, उससे ज़्यादा डार्क नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने फिर उसको ज़्यादा डार्क करने के लिए मैं 6B का पेंसिल यूज़ किया। लोग का फास्ट में उतना अच्छा नहीं दिखाई देगा, फिर आप लोग को पेशेंस रख के आप लोग को लेयर बाय लेयर शेडिंग करना है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, एंड आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल होगा तो आप लोग सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस तरह से बहुत ही ट्यूटोरियल वीडियो पार्ट वाइज आएगा। जब तक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो लगे तब तक के लिए बाय।